दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि गाइस ड्रीम इलेवन में 2 करोड़ रुपया जीतने के लिए आप यूनिक टीम कैसे बना सकते हो। ड्रीम इलेवन में 2 करोड़ रुपया जीतने के लिए गाइस ड्रीम इलेवन का कुछ यदि आप काला गणित को जान जाते हो तो आप भी ड्रीम इलेवन से पैसा को विनिंग कर सकते हो, क्योंकि सभी का टारगेट होता है कि भाई मैं यहाँ पर से 2 करोड़ रुपया का जो यहाँ विनिंग करे किसमें, तो गाइस ग्रैंड लीग में विनिंग करे, यानी ड्रीम इलेवन के अंदर यहाँ पर से ग्रैंड लीग में 2 करोड़ रुपया को विनिंग करे। तो गाइस 2 करोड़ रुपया को विनिंग करने के लिए आपको कुछ यूनिक टीम क्रिएट करना होगा। जब तक के आप यहां पर से यूनिक टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे तो भाई आप समझ लो कि ग्रैंड लीग की विनिंग की चांसेस जो क्या होता है काफी ज्यादा कम होता है। तो इस वीडियो को जो आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना, क्योंकि भाई ये जो वीडियो होने वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेते हो, इसे समझ लेते हो, तो गाइस यह काला गणित को समझने के बाद आप भी सीख जाओगे कि ड्रीम इलेवन में यूनिक टीम को कैसे क्रिएट किया जाता है, 1 करोड़ रुपया जीतने वाली टीम को कैसे क्रिएट करोगे। यह ट्रिक से आप बड़े आसानी तरीके से ड्रीम इलेवन में एक टीम को क्रिएट कर सकते हो और साथ में आप यह काला गणित को समझ जाते हो तो गाइस आप भी ग्रैंड लीग को विनिंग कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा बारीकी से जानकारी देता हूं। उससे पहले जो भाई अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या होगा कि आप तक के जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है। और साथ में गाइस आपको बता देता हूं, अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो सबसे पहले यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिलेगा, तो गाइस इसका लिंक जो हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में भाई वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप क्या कर सकते हो गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, लिंक जो मैंने आपको बता दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम चैनल पर गाइस जो रेगुलर फॉलो कर रहा है पूरा आईपीएल में, जो भी पिछला आईपीएल का मैच गया सभी में गाइस बैक टू बैक विनिंग करा रहा हूं। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यह चीज है कि गाइस जो मैं टीम लगाता हूं सेम वही टीम आपको कहां पर देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के बाद प्रोवाइड कर देता हूं। तो फटाफट से क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। लिंक कहां पर मिलेगा, तो गाइस इसका लिंक जो मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में भाइयों वीडियो के कमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप बड़े आसानी तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना फाइनल, एंड गाइस आपको वहीं पर से टीम को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलो मैं यहाँ पर से अब आ जाता है कि ड्रीम इलेवन में यूनिक टीम को कैसे क्रिएट किया जाता है, ड्रीम इलेवन में यूनिक टीम को क्रिएट करके आप ड्रीम इलेवन से पैसा को कैसे विनिंग कर सकते हो। तो गाइस देखो यहाँ पर से मैं इधर उधर आपको कुछ भी नहीं बहलाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होता है, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर से मुझे 11 प्लेयर्स का सिलेक्ट करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप अपने टीम में ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आप यह काला गणित को जान जाते हो, इसे जानने के बाद आप इसे फॉलो कर देते हो तो गाइस आप भी सीख जाओगे कि ड्रीम इलेवन में यूनिक टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाए और यूनिक टीम को क्रिएट करके ड्रीम इलेवन से पैसा को कैसे विनिंग करें। क्योंकि यूनिक टीम और साथ में यह काला गणित को समझ जाते तो आप भी सीख जाओगे। तो सीधा चलिए मैं यहां पर से अब आ जाते हैं पॉइंट के अगर से। तो गाइस देखो आप लोग से सबसे पहले बता देता हूं, आप लोग जो यहां पर से क्या करते हो, बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने टीम में पिक करके जाते हो। जैसे मान लो यहां पर से गुरुवाज को आप अपने टीम में सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखो तो भाई यहां पर से 87% लोग क्या कर रहा है अपने टीम में इस प्लेयर्स को सिलेक्ट करके जा रहा है। जैसे कि मैं आप ये प्लेयर को अपने टीम में सबसे पहले तो सिलेक्ट करके जाते हो, बैटिंग अगेंस्ट भी देखते हो, हाई परसेंटेज जो प्लेयर्स है उस प्लेयर्स को मैं अपने टीम में थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, यहां पर से सबसे पहले सिलेक्ट कर देता हूं, यानी सिलेक्ट करके यानी सिलेक्शन करके जाता हूं। मान लो यहां पर से मैं अपने टीम में हाई परसेंटेज वाले जो भी प्लेयर्स है उस प्लेयर्स को अपने टीम में क्या कर रहा हूं, तो भाई यहां पर से अपने टीम में पिक करके जा रहा हूं, यानी अपने टीम में मान के चलो सिलेक्ट करके जा रहा हूं। इसमें मैं कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी का सिलेक्शन जो कर देता हूं, हाई परसेंटेज वाले जो प्लेयर्स है इस प्लेयर्स को मैं अपने टीम में कैप्टन बना दिया हूं। बीसी में यहां पर से जो हाई परसेंटेज वाले जो लोग हाई मतलब काफी ज्यादा लोग अपने टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना करके जा रहा हूं, उसी को मैं अपने टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना दिया हूं। और गाइस देखो कुछ देर के लिए मुझे ये एहसास हो जाता है कि मैं अपने ड्रीम इलेवन जो यूनिक टीम को क्रिएट किया हूं, क्योंकि भाई यहां पर से 22% लोग सुनील नारायण को क्या कर रहा है अपने टीम में कैप्टन बना करके जा रहा है, यानी अपने टीम में सी बना करके जा रहा है। तो 22% लोग अपने टीम में कैप्टन बना करके जा रहा है यहां पर से त्रिपाठी को, तो गाइस 11% लोग क्या कर रहा है अपने टीम में वीसी बना करके जा रहा है, तो मैं भी उसी को कैप्टन बनाया हूं, इसी को वीसी बनाया हूं। क्योंकि गाइस इसके अंदर कुछ खासियत है, तब यहां पर से आप बोलोगे कि इसे लोग कैप्टन बना रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में क्या करा इस प्लेयर्स ने रिसेंट में गाइस काफी अच्छा खासा करा, रन भी मारा या आप बोलो विकेट भी निकाला, रन और साथ में विकेट निकाला, तो इस कंडीशन में इस
प्लेयर्स को अपने टीम में लोग क्या करता है भाई, काफी ज्यादा लोग अपने टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना करके जाता है। लेकिन यहाँ पर से मान के चलो आपका जब यहाँ पर से कभी कभी ये होता है कैप्टन भी फ्लॉप हो जाता है, वीसी भी फ्लॉप हो जाता है। मान लो यहाँ पर से गाइस यदि आपका सी एंड वीसी फ्लॉप हो जाता है तो आप ग्रैंड लीग को विनिंग की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में अब आ जाते हैं गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट करते, देखो ऐसे आप इस काला गणित को समझ लेते तो आप अपनी टीम में क्या करो, इस कंडीशन में आप अपनी टीम में जो लो परसेंटेज वाले प्लेयर्स को भी आप अपनी टीम में पिक करके चलना। क्योंकि 20% मान लो 22% लोग अपनी टीम में कैप्टन बना रहा तो भाई 22% लोगों के यहाँ पर से हैशटैग जो एक रैंक नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हैशटैग एक रैंक जो प्राप्त होता है वह हैशटैग कोई एक ही व्यक्ति लाता है, जिससे क्या होता है कि गाइस ग्रैंड लीग में एक रैंक आता है। अब मान लो यहाँ पर से सुनील नारायण हो गया, इससे 22% लोग ने यहाँ पर से कैप्टन बना रहा तो भाई 22% लोगों को यहाँ पर से ये है कि एक रैंक नहीं आएगा, एक रैंक कोई एक व्यक्ति का आएगा। अब मान लो यहाँ पर से देखते तो बहुत सारा प्लेयर्स है, जैसे 2% लोग उमरान मलिक को क्या कर रहा है सी बना रहा है, बी कुमार के देखते तो 1% लोग अपने टीम में सी बना रहा है, बी सी देखो तो गाइज इनको भी काफ़ी ज़्यादा कम लोग बी सी बना करके जा रहा है। इस कंडीशन में आप अपनी टीम में मान के चलो गाइज क्या करते हो, 100 मान के चलो परसेंटेज 100 माइनस 2 कर देता हूँ तो 98% लोगों को आप ड्रॉप करके आ रहे हो, मतलब आपका कंपटीशन जो बचता हुआ कितना परसेंटेज लोगों के साथ, ओनली 2% लोगों के साथ आपका यहाँ पर से कंपटीशन बसता है। तो 2% लोगों को कभी भी किसी को भी बड़े आसानी तरीके से आप यहां पर से मार सकते हो, समझ लो। तो गाइस इस कंडीशन में देखो हो सकता है भुवनेश्वर कुमार पता है कि भाई प्लेयर्स काफी अच्छा खासा है, उमरान मलिक पता है काफी अच्छे खासा प्लेयर से, हो सकता है आज के ही मैच में इनका रिसेंट फॉर्म आ जाए, इनके बॉलिंग से हो सकता है आज के मैच में 3 या 4 विकेट ले, तो कहीं ना कहीं आपका जो भाई कैप्टन वो बड़े आसानी तरीके से चलेगा। अब आ जाते हैं गाइस ड्रीम इलेवन में काला गणित क्या होने वाला है जिसके कारण आप यहां पर से पैसा को विनिंग कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले पिच रिपोर्ट के अगेंस्ट में तो पीच रिपोर्ट क्या होता है, बॉलिंग होता है, बैटिंग होता है, नहीं तो पीच जो होगा वो बायलेंसेड होगा, मतलब पीच का कंडीशन क्या हो सकता है, 3 कंडीशन में पीच का रिपोर्ट हो सकता है, पीच बॉलिंग होगा, नहीं तो पीच होगा बैटिंग होगा, नहीं तो पीच जो होगा वो बायलेंसेड होगा। तो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए आपसे डिस्कस करूं, मैं आपसे यहां पर से गाइस डिस्कस कर लेता हूं, मान लो आज का जो पीच होने वाला है वो बॉलिंग पीच होने वाला है, तो बॉलिंग के अगेंस्ट में आप अपनी टीम में कितने विकेट कीपर को लेकर के जाओगे, कितने बैटिंग से प्लेयर्स को होना चाहिए, कितने ऑलराउंडर्स से प्लेयर्स को होना चाहिए, कितने यहां पर से बॉलिंग से प्लेयर्स को होना चाहिए। उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन में यहां पर से बैटिंग पिच होने वाला है, क्योंकि पिच 3 कंडीशन में हो रहा है, पिच बैटिंग पिच रहेगा तब आप ड्रीम इलेवन में कितना विकेट कीपर लोगे, बैटिंग अगेंस्ट से कितने प्लेयर्स को अपने टीम में पिक करके जाना है, ऑलराउंडर से कितने प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के जाओगे, और साथ में बॉलिंग अगेंस्ट से कितने प्लेयर्स को आप अपने टीम में सिलेक्ट करके जाओगे, ताकि आप ड्रीम इलेवन जो इस काला गणित को समझ करके 1 या 2 करोड़ रुपया मान लो यहां पर से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तो लाख रुपया या मान लो 2 लाख रुपया 50,000-60,000 रुपया भी विनिंग कर सकते हो, क्योंकि भाई कर सकते हो, विनिंग की चांसेस आपके पास है, लेकिन आपको कुछ माइंड लगाना होगा। जब तक कि आप कुछ माइंड नहीं लगाओगे, कुछ लॉजिक नहीं लगाओगे तो भाई ग्रैंड लीग को विनिंग करना काफी कम चांसेस होता है, क्योंकि ग्रैंड लीग में देखो बहुत सारा लोग रहता है, 1 करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़ लोगों के साथ आपको खेलना होता है, तो 1.5 करोड़ लोगों में से आप कुछ अलग नहीं करोगे, कुछ यूनिक नई टीम का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भाई ग्रैंड लीग की चांसेस क्या होता है काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ग्रैंड लीग के विनिंग करने के लिए आपको कुछ अलग टीम क्रिएट करना होगा, आपको कुछ यूनिक टीम क्रिएट करना होगा, तब जाकर के क्या कर सकते हो ग्रैंड लीग यानी जीएल को विनिंग कर सकते हो। तो गाइस अब आ जाते हैं पिच, यहां पर से मैं आपको बताता हूं बॉलिंग पिच है, तो इस कंडीशन में आप अपनी टीम में जो विकेट कीपर लेकर के जाओगे 1 विकेट कीपर कर सकते हो, क्योंकि क्यों किस रीजन से इसका रीजन आपको आगे बताएंगे। पिच बॉलिंग बैटिंग अगर आप अपने टीम में 3 ही प्लेयर्स को लेकर के चलना, ऑलराउंडर्स क्या करो 2 ऑलराउंडर्स, या आपको लगता है भाई यहां पर से 3 ऑलराउंडर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस कंडीशन में आप अपने टीम में 3 ऑलराउंडर्स भी लेकर के जा सकते हो, 3 ऑलराउंडर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं बॉलिंग अगेंस्ट में, तो बॉलिंग अगेंस्ट में गाइस सबसे पहले देखो यहां पर से कितना करोगे, तो 4 कम से कम 4 होना चाहिए, अधिक से अधिक आप 5 भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं यहां पर से 5 कर लेता हूं, क्योंकि आज का पिच जो होने वाला है क्या होने वाला है, बॉलिंग पिच होने वाला है। इस पिच पर क्या होता है कि भाई बॉलर्स को बड़े आसानी तरीके से मदद मिलता है, जो भी बॉलर्स आएगा वो यहां पर से विकेट निकाल करके जाएगा। इसमें अब आ जाते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करना एंड सी एंड बी सी का बनाना। तो गाइस इस कंडीशन में आप अपनी टीम में कभी भी कैप्टन का सिलेक्ट करना, तो आप अपनी टीम में क्या करोगे, कैप्टन बॉलिंग एंड सही कैप्टन और साथ में बीसी बॉलिंग एंड सही आपकी टीम में बीसी होना चाहिए। इसका रीजन भी बताता हूं, क्योंकि भाई आज का पिच जो होने वाला है वो बॉलिंग पिच होने वाला है। इस पिच पर क्या होता है कि बॉलर्स को बड़े आसानी तरीके से मदद मिलता है, इस पिच पर जो भी बॉलर्स आएगा वो विकेट निकाल करके जाएगा, तो भाई बॉलर्स को विकेट निकलेगा तो आप अपने टीम में क्या करोगे कि अपने टीम में ये थोड़ा माइंड लगाओ कि भाई कैप्टन जो होना चाहिए वो बॉलिंग एंड सही कैप्टन होना चाहिए और बीसी भी जो होना चाहिए वो बॉलिंग सेक्शन से भी आपके टीम में बीसी होना चाहिए, क्योंकि पिच जो इस पिच पर क्या होता है बॉलर्स को बड़े आसानी तरीके
तरीका से मदद मिलता है, जो भी बॉलर्स आता है वो विकेट निकाल करके जाता है। तो गाइज इस कंडीशन में आप अपनी टीम में कभी भी सी एंड बी सी का सिलेक्शन करना, तो बॉलिंग से ही आप अपनी टीम में कैप्टन एंड साथ में गाइज आपको बी सी सिलेक्ट करके जाना है। अब आ जाते हैं गाइज थोड़ा आपको यहाँ पर से डिस्कस कर लेते हैं आज का पिच होने वाला है गाइज, बैटिंग पिच होने वाला है। तो बैटिंग के केस में आप अपनी टीम में कितने विकेट कीपर को लेकर के जाओगे, कितने ऑलराउंडर्स को आप अपने टीम में पिक करके जाओगे, कितने बॉलर्स आपके टीम में होना चाहिए, कितने बैटिंग से अपने टीम में जो प्लेयर्स को लेकर के जाना है। तो गाइस यहाँ पर से देखो इस कंडीशन में आप अपने टीम में पिच जो यदि बैटिंग पिच है इस पिच पर बैटिंग को बड़े आसानी तरीके से मदद मिलता है। तो विकेट कीपर क्या करो कि एक विकेट कीपर आप अपने टीम में एक विकेट कीपर सेलेक्ट करके जाते हो, आपको लगता है भाई दो विकेट कीपर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने टीम में क्या करोगे दो विकेट कीपर भी लेकर के जा सकते हो, दोनों विकेट कीपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे देखो इस मैच में क्या कि कोई खास विकेट कीपर नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे एक विकेट कीपर को मैं अपने टीम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, और आपको थोड़ी के लिए लगता है कि भाई नहीं आज के मैच में यहां पर से मैं अपना दो विकेट कीपर लेकर के जा रहा हूं, थोड़ा जीएल खेल रहे हैं तो थोड़ा रिस्क ले लेता हूं, जैसे ए सिंह को मैं अपने टीम में पिक करके टीम में क्या कर रहा हूं पिक करके जाऊंगा। तो बॉलिंग से आपको कम कर देना है, इसमें आप चार बैटिंग सेक्शन से भी प्लेयर्स को ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के अगेंस्ट में है। इसमें आपको सी बनाना है एंड बी सी का सिलेक्शन करना है। तो आप अपनी टीम में कैप्टन किसे बना सकते हो, यहां पर से बैटिंग से आपकी टीम में कैप्टन एंड वाइस बैटिंग के लिए आप टीम का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। अब आ जाते हैं पिच बैलेंसड होगा तो उस कंडीशन में आप अपनी टीम में कैसे प्लेयर्स को पिक करके जाओगे। तो गाइस बैलेंसड हो तो बैलेंसड के अगेंस्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें मैं मान लो यहां पर से बैलेंसड पिच होने वाला तो मैं अपने टीम में ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बैटिंग अगेंस्ट कम करूंगा, ऑलराउंडर्स तीन से चार लेकर के जाना। बैलेंसड का मतलब होता है बॉलिंग प्लस बैटिंग, मतलब इस पिच पर बॉलिंग को भी मदद मिलेगा और साथ में बैटिंग को भी मदद मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पिच को बैलेंसड पीस करते हैं। अब आ जाते हैं इसमें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का कभी भी सिलेक्शन करना होगा तो ऑलराउंडर सेगन से ही आप अपनी टीम में क्या करोगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है, क्योंकि पीच पर जो हुआ बैलेंसड पीच है और गाइस 50% बॉलिंग को मदद मिलता है तो 50% बैटिंग को मदद मिलता है, पीच को बैलेंसड पीच करते हैं। इसमें कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी देखो तो कैप्टन जो मैं अपने टीम में बना रहा हूँ सुनील नारायण को कैप्टन बना दिया हूँ, क्योंकि गाइस इन लोगों के पास क्या होता है दो मौका रहता है, एक बॉलिंग और साथ में गाइस एक बैटिंग से मौका रहता है। यदि बॉलिंग से भी पॉइंट दे यदि बैटिंग से भी पॉइंट और वही प्लेयर्स आपके टीम में कैप्टन हो तो कहीं ना कहीं 200-250 या 300 पॉइंट देकर के जाएगा, तो एक प्लेयर्स आपको क्या होगा डीटी के अंतर्गत मतलब ड्रीम टीम के अंतर्गत आएगा। तो गाइस देखो 2 करोड़ रुपया जीतने के लिए यही काला गणित है, इसे आप अप्लाई कर देते हो तो आप भी ग्रैंड लीग को विनिंग कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जो है एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलेंगे फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी।